नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम का अध्ययन करने से पहले एक छोटे से मैसेज के साथ शुरुआत करेंगे। मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती हैं, सोपन के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हारना गिर के, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। अर्थात निरंतर कर्म करते जाइए, मुसीबतों का निरंतर सामना करते जाइए, तभी आप एक निर्धारित लक्ष्य को आसानी से पा सकेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने विषय पर। BCOM थर्ड ईयर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के अंतर्गत EFM पेपर प्रथम में यूनिट संख्या फोर्थ के अंतर्गत चैप्टर प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत आज हम टॉपिक का अध्ययन करेंगे, भारत में वन संसाधनों एवं उनके संरक्षण पर निबंध। मतलब वन संरक्षण नीति या वन संरक्षण नीति पे सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, उनको बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप वर्तमान में देखते जा रहे हैं, वनों की अनावश्यक कटौती हो रही है, जिससे प्राकृतिक आपदा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे बाढ़ है, अकाल है, ऑक्सीजनों की कमी है, वन्य जीव जंतु हैं उनमें, उनका रहना रहन बसेरे में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि प्रकृति के दिए हुए चीज़ों को हम उनके साथ खिलवाड़ जब करते हैं तो प्रकृति उसका परिणाम मानव जीवन पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि प्रकृति एक निशुल्क उपहार के रूप में हमें बहुत सी चीज़ देती हैं, मनुष्य से कुछ लेती नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए बिल्कुल ईश्वर देन चीज़ें हमें प्रदान करती हैं, जिसमें वन के माध्यम से हमें अनेक चीज़ें मिलती हैं, जैसे लकड़ियाँ, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, दवाओं के रूप में जल संपदा, खनिज संपदा, क्योंकि हमें इनको बचाना है। अब इनको बचाएं कैसे? इनको बचाने के लिए मानव ही प्रयास करेगा और मानव ही इसका नुकसान कर रहा है। तो मानव इस प्रकार से प्रकृति के विदोहन को रोके, प्रकृति में वन्य संसाधनों के संरक्षण को इस प्रकार से करें जिससे प्रकृति अपने संतुलन को बनाए रखे। तो इस प्रकार हम आज भारत में पर्यावरण संरक्षण या फिर भारत में वन संसाधनों के संरक्षण पर हम भूमिका के रूप में चर्चा करें कि भारत में पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय पर्यावरण एवं वनों से संबंधित कार्यक्रम की योजना बनाने, उसका संरक्षण करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय करने के लिए, लागू करने के लिए केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य की कर रही है। और मंत्रालय का इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण एवं वनों का संरक्षण, उनको सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि जब पर्यावरण विकास के राष्ट्रीय संरक्षण व्यूहरचना नीति में 1992 राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनाई गई थी, जो कि एक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 जो कि वनों के संरक्षण के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इस नीति का गठन किया गया, जो कि बहुत ही विश्वसनीय और सराहनीय रहा है। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन जो हैं वनों के, उनके संरक्षण के लिए भी एक राष्ट्रीय संरक्षण नीति या वन नीति का ग्रहण किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन करती हैं। अब हम वन की बात करें कि वन नवीकरण के योग्य संसाधन है और ये विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधारने के लिए वनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि वर्ष 2005 में देश भर में 677.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन के रूप में अधिसूचित
किया गया है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20.60% वास्तविक वन क्षेत्र हैं, जिनमें से 333.2 लाख हेक्टर 11.78% सघन वन हैं और 289.87 लाख हेक्टर मतलब 8.82 खुले वन और 1.7 कच्छ वनस्पति के भी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार वन नीति व कानून की बात करें तो भारत के कुछ देशों में से लगभग 1894 से वन नीति लागू की गई, जिसमें 1952 और 1988 में संशोधन किया गया। संशोधित वन नीति 1988 की मुख्य आधार वनों की सुरक्षा व संरक्षण एवं विकास करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण, पुनर्स्थापन और पर्यावरण स्थायित्व बनाए रखना है, जिसमें प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना, नदियों, झीलों, जलधाराओं के कटाव को रोकना, राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों को तटवर्तीय रेतों का विस्तार करना, व्यापक मरुस्थल या फिर वृक्षारोपण के जरिए महत्वपूर्ण बढ़ोतरी जो कि वन और उनके लक्ष्यों में की गई, जो कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के परीक्षण में वन से जुड़ी हुई गतिविधियों का भी एक नया आयाम दिया गया, जो कि 1988 से निरंतर क्रियाशील है। तो इस प्रकार वनों को रोकने के लिए वन नीति महत्वपूर्ण रूप से सहायता कर रही है। तो हम ये चर्चा करेंगे, अगर वन रहेंगे तो वन्य जीवन, वन्य प्राणी या वन्य प्राणियों का भी एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका रही है, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति इसलिए बनाई गई जो कि वनों को या वनों की अनावश्यक कटौती या फिर वनों को जो काट रहे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सके। तो इसलिए विद्यार्थी आप भी, मतलब जैसे मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ कि भारत में वन संसाधनों के संरक्षण में, आप भी अपने घर आसपास में एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे वो आपको कुछ न कुछ प्रतिफल में जरूर प्रदान करेगा। हो सकता है वो ऑक्सीजन दे, फल दे। तो इसी प्रकार से वन संरक्षण नीति में भी अनेक प्रकार की नीतियों में उनको रूल्स रेगुलेशन के तहत बनाया गया है, जिससे मनुष्य को ऐसा डर रहे कि ऐसा कानून बनाया गया जिससे वनों को बचाया जा सके। तो इस प्रकार वन्य जीवन की बात करें, क्योंकि अगर वन रहेंगे तो वन्य जीवन भी संभव रहेगा। तो राष्ट्रीय वन्य जीवन कार्य योजना में वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कार्य नीति, कार्यक्रम और परियोजनाओं की रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, वन्य जीवन संरक्षण की अनेक योजनाओं को अमलीकरण और निगरानी और निर्देशन करने वाला एक शीर्ष सलाहकार संघ भी है, क्योंकि इस समय में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 99 राष्ट्रीय उद्यान और 513 वन्य जीवन अभयारण्य आते हैं, जो देश के सकल भौगोलिक क्षेत्र का 4.5% है। तो इस प्रकार वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि इसमें वन्य जीव संरक्षण की विलुप्ति होती जा रही है, प्रजातियों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, दुर्लभ और खत्म होती जा रही है, जिसमें प्रजातियों के व्यापक इस अधिनियम पर रोक भी लगाएगी। तो इस प्रकार हम बात करें वन्य जीवन प्राणियों की, जो कि एक महत्वपूर्ण रूप से सहायक है, क्योंकि जंगल की लुप्तता समाप्त होती गई तो वन्य जीव, वनस्पतियों, प्रजातियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोजित सम्मेलन हुए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी एक आता है, क्योंकि इस समझौते के अंतर्गत लुप्त हो रही जीव प्रजातियाँ और उसके उत्पादों के आयात निर्यात पर कठोर नियंत्रण के आदेश भी दिए गए हैं। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 और अन्य कानून की समीक्षा के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की गठित की गई, जिसमें केंद्र व राज्य को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों के विकास और उनके उन्नत प्रबंध एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए गैर कानूनी तरीकों से जीवों के शिकार व अन्य जीव उत्पादों में अवैध व्यापार पर प्रतिबंध है, जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी विकास, हाथियों और उसके निवास स्थान के संरक्षण, असम में गेंडा के संरक्षण, लुप्त प्राय प्रजातियों में देश में प्राणी उद्योगों के प्रबंध की देखभाल के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भी स्थापित किया गया। तो इस प्रकार इस संस्था में मौजूदा 200 से ज़्यादा चिड़ियाघरों के कार्यों में तालमेल रखती है और जानवरों के आदान प्रदान की
वैज्ञानिक ढंग से देख रेख करती है। बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत देश भर में लगभग 23 बाघ अभयारण्य बनाए गए हैं, जो संरक्षित क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को स्वैच्छिक पुनर्स्थापना के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। जो 2008 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 में संशोधित करके वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो भी बनाया गया है। तो इस प्रकार हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्यों के वित्तीय तकनीकी सहायता दी गई है और जंगली हाथियों को स्वतंत्र विचरण करने की आज़ादी भी है। इसका उद्देश्य पहचाने गए हाथियों को वंश चलाने में सक्षम आबादी के लिए प्राकृतिक निवास, दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करना है और प्राधिकरण द्वारा तैयार चिड़ियाघरों राष्ट्रीय नीति सरकार वन्य चिड़िया संचालकों को मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। तो इस प्रकार वन्य जीवन या भारत में संसाधनों के संरक्षण में सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम या विभिन्न नियम बनाए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय पशु कल्याण बोर्ड है। राष्ट्रीय पशु कल्याण बोर्ड भी 1962 में इसका गठन किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण रूप से सहक है। तो पर्यावरण संरक्षण 1986 भी एक अधिनियम बनाया गया, जो पर्यावरण की संरक्षणा उनको रोकने के लिए एक अहम रही है। तो इस प्रकार वन्य जीवन या वानिकी का हम बात करें तो राष्ट्रीय वानिकी परिस्थिति विकास बोर्ड भी बनाया गया, जिसमें मई 1955 में इसकी स्थापना भी की गई, जो कि बंजर भूमि पर वनों का विस्तार करना और भी विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय या भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद या वन्य जीवन अनुसंधान, ये सब वनों की श्रेणियों में आते हैं। जो वन्य जीवन अनुसंधान भारतीय वन्य जीवन संस्थान देहरादून, सलीम अलीन पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोटुम्बर रखते हैं, जो इन दोनों संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएँ चलाई गई हैं। तो वन्य जीवन का विकास निकास का कार्मिक विकास, हाथियों का आवागमन, घड़ियालों और कछुओं की पारिस्थितिकी अस्तित्व संकट में पड़ी प्रजातियों को पारिस्थितिकीय जैव विविधता, संसाधनों का अध्ययन और विशिष्ट पशुओं का संरक्षण, पारिस्थितिकीय प्रबंध भी किया गया है। तो इस प्रकार से वन्य जीवन अनुसंधान एक महत्वपूर्ण है, जो भारतीय अनुसंधान के द्वारा क्रियान्वित किया गया है। तो इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भी सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें वनों को आसानी से रोका जा सके और वनों को रोकने में सक्षम तरीके से एक महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका का निर्वहन किया जा सके। तो इस प्रकार हम वन्य भारत में वन संसाधनों और उसके संरक्षण की हम बात करें तो सरकार का एक अग्रणीय और सही तरीके से क्रियान्वयन रहा है, जिससे भारत में वन संसाधनों और उसके संरक्षण को आसानी से रोका जा सके। तो इस प्रकार राष्ट्रीय वन नीति 1988 की भी अहम भूमिका रही। तो इसमें आपको एग्ज़ाम में सर्वप्रथम इसकी भूमिका के बारे में लिखना है कि वनों की हमें क्यों आवश्यकता है, वन के बगैर क्या जीवन संभव है या नहीं है, तो भूमिका में लिखेंगे पहले। दूसरे में इसका उद्देश्य क्या है, वनों की स्थापना या प्रकृति को बनाए रखने के लिए, जो मानव को विभिन्न प्रकार की उत्पाद और जो विभिन्न प्रकार के आयाम वनों से मिलते हैं उनके बारे में थोड़ा लिखेंगे। फिर राष्ट्रीय वन नीति, उनके रूल्स रेगुलेशन के बारे में लिखेंगे और विभिन्न अनुसंधानों के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। फिर वन संरक्षण के लिए जो सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के बारे में उल्लेखित करके निष्कर्ष रूप से ये लिखेंगे कि भारत में वन संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयत्नशील है, प्रयासरत है, वो अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से वनों को बचाने में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। तो इस प्रकार हम प्रकृति की बात करें तो भारत में वन संसाधनों या वनों को रोकने के लिए उसके संरक्षण प्रोटेक्शन के लिए हमें बहुत आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम वनों को रोकें, उनकी कटाई में क्या क्या अहम भूमिका रही है। तो हम आसानी से प्रकृति को बनाए रख सकते हैं अगर प्रकृति के साथ मानव जीवन अगर किसी प्रकार का खिलवाड़ करता है तो प्रकृति उसका परिणाम मानव पर जरूर देती है। तो इस प्रकार हमें आज के वीडियो में भारत में वन संसाधनों उसके संरक्षण से संबंधित विभिन्न कंटेंट के बारे में हमने चर्चा की।
जो कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रकृति या पर्यावरण संरक्षण को किस प्रकार से हम बचाएं, उनसे संबंधित सरकार के विभिन्न कार्यक्रम कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।